हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सलीम है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। आज हम पीने के पानी में दो तरह के टेस्ट करने वाले हैं। एक टेस्ट है TDS, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ बेस्ट TDS फॉर ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आप भी अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 से 150 के अंदर पीने का पानी का जो TDS रहना चाहिए। मगर आपको मैं कुछ टेस्ट अभी TDS कितना है करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में जो पानी हम रेगुलर 20 रुपये का खरीदते हैं वो पानी में कितना TDS है, जो हम रेगुलर कॉलोनी में लेते हैं 20 रुपये का 20 लीटर का जो आता है इसमें कितना TDS है। पहले हम इसको चेक कर लेंगे, राइट। पहले मैं इसको मार्केट का जो पानी मिलता है इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी पानी एक ही साथ ले लेता हूँ, ठीक है, और ये भी पानी एक साथ ले लेता हूँ। ये है मंजीरा वाटर और ये है बोर का वाटर, राइट। ये बोर, ये मंजीरा, ये मार्केट में लेने का है, ये और 20 रुपीस वाला है। अभी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं TDS मीटर ऑन करा हूँ, कितना दिखा रहा है, 0-0 दिखा रहा है। पहले इसमें रखेंगे जो मार्केट में 20 रुपीस का बॉटल मिलता है अपने को, कितना है ये 31, खरीद में ले लो, थोड़ा 31 दिखा रहे हैं ना, यस। तो अभी मैं ये दिखा रहा हूँ जो 20 रुपीस वाला जो मार्केट में हम खरीदते हैं, कितना है ये 26, मतलब 50 से बहुत कम है। अब ये दो भी अपने काम का पानी नहीं है। अभी ये मंजीरा से जो आता है गवर्नमेंट से वो पानी है 336 TDS है, राइट। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बोर का पानी है ये कितना है, 946 है। तो इसका मतलब हमको 50 से 150 रहना चाहिए। मगर मैं आपको अभी एक और पानी बताने जा रहा हूँ जो वेस्टिज का शार्प वाटर फिल्टर, इसका TDS कितना है। अभी आपको मैं देखो फ्रेश वाटर इसमें भर रहा हूँ मैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, इसका कितना है TDS 77, राइट, 77 TDS है। ये 50 से 150 के बीच में गुड वाटर है। तो अभी ये पहले टेस्ट में सभी भी TDS कम और ज़्यादा है। अभी एक दूसरा टेस्ट, अभी ये टेस्ट में तो खत्म हो गया, अभी मैं दूसरा टेस्ट करने जा रहा हूँ। दूसरा टेस्ट है ये नैनो, ये इलेक्ट्रोलाइजर है। इलेक्ट्रोलाइजर मतलब पानी के अंदर क्या कितना गंदगी है, कितना प्योरिटी है। ये जो मेटल है ना, ये गंदगी को कलेक्ट करता है। ये सिल्वर का जो है ये पानी के अंदर के अच्छा प्योरिटी को कलेक्ट करता है। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए पहले पानी भरूंगा, ये मंजीरा वाटर, अभी तक हम TDS भी चेक कर चुके हैं, और ये सॉरी अभी हम शार्प वाटर प्योरीफायर का वाटर लेंगे। ये शार्प का पानी है, ये मंजीरा वाटर, ये शार्प का पानी है। फिर हम ये बोर का वाटर ले रहे हैं, यहां पे ले लो, ये बोर का पानी है और ये शार्प का पानी है। अभी ये दो भी मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइजर यहां पे रख रहा हूं। आप एक सबसे पहले एक इसमें रखूंगा मैं, और ये प्लग लगा दिया हूँ मैं, और ये इसमें रख रहा हूँ, और ये भी प्लग लगा दिया हूँ। अभी मैं बटन ऑन करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो भी बटन ऑन हो चुके हैं, ये भी बटन और ये भी बटन। ये आप पानी देख सकते हैं, ये मंजीरा वाटर और ये वाटर शार्प वाटर वाटर का है, शार्प का। ये बोर का वाटर और ये शार्प वाटर फिल्टर का है। अब इसमें ऑब्जर्व कीजिए ये कितना फ्रेश है, और ये वाटर के अंदर के गंदगी को कैसा कलेक्ट कर रहा है। देखिए अभी तक कितना फ्रेश था, ये भी आप देख सकते हैं ये कितना प्योरिटी है। और ये देखिए, हम ये रेगुलर जो पानी पी रहे हैं तो हमको जो गुड पानी, अच्छा पानी पीना चाहिए, मगर हम पानी के अंदर कितना गंदगी है आप देखिए। ऐसे पानी पीने की वजह से हमको पता नहीं था अभी तक कितना फ्रेश वाटर था, मगर आप देख सकते हैं अभी, राइट। ये बोर का पानी है, और ये देख सकते हैं आप, ये शार्प का पानी और ये मंजीरा पानी है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम तो हमारे घर में भी वाटर फिल्टर है वो 8-10 तरह का रहेगा, मगर वो कम्प्लीटली TDS को ख़त्म कर देगा, तो वो भी डेंजर है। और ज़्यादा अगर वाटर फिल्टर नहीं लगाते ये भी डेंजर है। मगर अपना शार्प का वेस्टेज का शार्प वाटर फिल्टर आप देख सकते हैं। आपको जो भी ये वीडियो भेजा रहे हैं उनसे बात करके आप इसके बारे में और जानकारी लेके आप ले सकते हैं, और वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले सकते हैं इसको, या कोई जो भी आप वीडियो भी जा रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।